नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। शबा खैर आप, सत श्री अकाल। और छोटों का क्या हाल चाल। तो भैया आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के कुछ इंपॉर्टेंट इशू को लेकर जो कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर रही है और आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे होंगे इसके रिलेटेड। तो आज मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप आखिर चाहता क्या है। व्हाट्सएप की बात छोड़ो, आम पब्लिक क्या चाहती है। तो बात करते हैं इस मैसेज को लेकर। इस मैसेज में लिखा गया है कि अगर एक सिंगल टिक होता है इसका मतलब मैसेज पहुंच गया आपकी तरफ से, डबल टिक हुआ मतलब मैसेज वहां पहुंच भी गया, ब्लू टिक हुआ मतलब बंदे ने पढ़ लिया, थ्री ब्लू टिक हुआ मतलब गवर्नमेंट ने जो है वो अपने पास उस मैसेज का नोट रख लिया, दो तक ठीक है, तीसरे का क्या मतलब। इस और भी मैसेज में काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है कि अगर दो ब्लू टिक हुए एक लाल हुआ मतलब गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी, अगर एक ब्लू हुआ दो रेड मतलब गवर्नमेंट आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर रही है, और अगर तीन लाल हुए समझो तुम्हारी घंटी बज गई। तो भैया तुम्हारे मैसेज से ना गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये तुम मैसेज किसी को भेज रहे हो आई लव यू, ये सोना बाबू मेरे बाबू ने खाना खाया। भैया खाओ ना खाना, क्यों व्हाट्सएप का खाना खा रहे हो। गवर्नमेंट क्यों बैठी हुई है, क्यों इतने हैकर्स को पैसा दे रही है, क्यों इतने आईटी प्रोफेशनल्स लगाए हुए हैं इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करने के लिए कि तीन टिक ब्लू टिक ये टिक। तुम कौन होते हो भैया, ऐसे मैसेज मत फैलाओ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज़ ये गंद मत फैलाओ। आप लोग तो पहले से ही जानते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो व्हाट्सएप के न्यू रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशंस को कैंसिल किया था, कहा था कि ये पब्लिक के खिलाफ है। लेकिन पब्लिक में ये बात समझ में आती ही नहीं, ये बात गोल मरोड़ के पब्लिक को ऐसे पहुँचाई गई कि भैया गवर्नमेंट चाहती है कि वो आपका डाटा रखेगी और व्हाट्सएप ये करना नहीं चाहता। भैया क्यों, व्हाट्सएप इतना दिलेर कब से हो गया, फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया, इंस्टाग्राम खरीद लिया। चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपका लिखा होता है ना वॉइस कॉल में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो भैया सुशांत सिंह राजपूत का तो आपको केस अच्छे से याद होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि उनकी चैट्स जो हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू रिट्राइव कर ली गई थी, मतलब वापस से रीड कर ली गई थी। तो भैया आप क्या समझते हो कि आप सेफ हो, गवर्नमेंट आपका डाटा रख रही है, कोई गवर्नमेंट नहीं रख रही, सुन लो मेरी बात, व्हाट्सएप ही आपका डाटा चोरी करना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट आपको रोक रही है ये यूज़ करने से, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अभी मत एक्सेप्ट करो। जिन्होंने गलती की है भाई हो गई, कोई बात नहीं, अब आप उसको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन सुधार तो लो भैया। क्यों बेफजूल में अपने टांगे पैरें तोड़वाना चाहते हो, क्यों अपने पंगे लेके क्यों घुसना चाहते हो किसी के मसले में, क्या तुम्हें मिलेगा। तुम्हें व्हाट्सएप चलाना ना चल रहा है ना, मज़े लो, क्या ब्लू टिक जब आएगा देखा जाएगा, तुम्हें किस बात की टेंशन। तुम कौन से पैसे दे रहे हो व्हाट्सएप चलाने के, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन खरीद रखी है। नहीं भैया व्हाट्सएप अपना हम ही चलाएंगे, और कोई आ जाए ब्लू टिक ग्रीन टिक देख लेंगे, भाड़ में जाए। भैया क्या करना है तुम्हें, ब्लू टिक ग्रीन टिक ये टिक वो टिक क्या करना है तुमने, ऐसे टिक मैसेज देख लिया ना भेज दिया, जिसने भी देखना था उसने देख लिया, रिप्लाई आ गया आई लव यू का, रिप्लाई आई लव यू ही आएगा, कई बार धोखा भी मिलता है जानता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे बारे में मुझे अच्छे से पता है, लेकिन इन टिक के चक्कर में मत पड़ो। और बता दूं आपको, क्या आप लोग जानते हैं कि आप घूम फिर मज़े से रहे हो, भैया आज मैं दोस्त के घर चला घूमने, और तुम्हें पता है कि तुम दोस्त के घर जा रहे हो, ये सिर्फ तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे फ़ोन के व्हाट्सएप फेसबुक सबको पता है, जानते हो ये तुम्हारी लोकेशन एक्सेस करने की वजह से है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि फेसबुक का डाटा कितनी बार लीक हुआ है भैया, कितनी बार, और ये डाटा जाता पता कहाँ है, मार्केटिंग साइट्स पे बिकता है डाटा। भैया तुम्हारा जो पसंद नापसंद ये वो सब फेसबुक को पता है, क्योंकि तुमने जो अपने काले कारनामे वहीं पे जाके करने हैं, और अब तो ये कारनामे शिफ्ट कर दिए तुमने इंस्टाग्राम पे। बात शुरू होती है इंस्टाग्राम से, मांगते हो नंबर पहुंच जाते हो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे अगर किसी ने कर दिया ब्लॉक तो मगर हो जाओ फेसबुक पे। भैया प्लीज़ हाथ जोड़े तुम्हारे आगे, ये कारनामे करना बंद कर दो और अपनी सेफ्टी पे ध्यान दो। तुम्हें मैं एक और चीज़ बता दूं, गवर्नमेंट उन लोगों का डाटा रखना चाहती है जो कि भड़काऊ काम करते हैं, समझ रहे हो, भड़काऊ काम मतलब तुम्हारी पोस्ट जो है जो तुम देखते हो, इसने वो कर दिया, ये ऐसा है, ये इतनी ग्लिच लगा दिए, ये इतने करोड़ों में डूब गया, इसने इतने पैसे करप्ट कर दिए, कई झूठी खबरें भी ऐसे फैलाते हैं। भैया आज अमिताभ बच्चन जी मर गए, भैया जिंदा है वो, ऐसे गंद मत फैलाओ। इन्हीं गंद फैलाने के चक्करों में ना कई लोग अंदर जा चुके हैं, और अगर तुम्हें जाना है ना शौक से जाओ, मज़े से जाओ, गोल्ड मेडल डलवा के जाओ, जो करना करो। तो बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही फ्रेशी टेक अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक टॉक्स को, और अगर आप सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना भूल रहे हैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिएगा। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।